बड़का समाचार के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। एक नजर खबर छत्तीसा मा, खबर मा आगु बढ़बो। बलौदा बाजार क्षेत्र मा बांस के पीका करील चोरी करे के शिकायत वन विभाग ला लगातार मिलत रहिस, जेकर मद्देनजर वन विभाग सख्ती अपनात साप्ताहिक बाजार मन मा अवैध रूप ले करील बेचैया कोचिया मन के धरपकड़ शुरू कर दिस। आप मन ला बता दन, बलौदा बाजार जिला अंतर्गत बिलाईगढ़ मा शुक्रवार साप्ताहिक बाजार मा बीते संझा वन विभाग ला अवैध रूप ले करील बेचैया मन के सूचना मिलिस, जेकर बाद वन विभाग के टीम एक्शन लेवा छापा मारिस। जिहा अवैध रूप ले करील बेचैया कोचिया मन ला वन विभाग के टीम आए के भनक लग गई, जेकर फायदा उठा के करील बेचैया कोचिया मन फरार होगी, जेमा एक अज्ञात कोचिया ला छोड़ के भाग गई। मौका मा पहुंचे वन विभाग के टीम हर बाजार ले लगभग 20 किलो करील और तराजू बाट ला जब्त कर अज्ञात आरोपी के प्रति मामला पंजीबत कर कार्रवाई करत आरोपी के तलाश मा जुट गए है। आज हम ऑफिस में थे तब हमें खबर मिली थी हमारे बैरियर रक्षक से कि यहाँ बाजार में जो है अवैध करील बिक रहा है, तो हमने हमारी टीम को इकट्ठा किया और साथ में इधर छापेमारी की गई है, जिसमें कि 20 किलो अवैध करील हमें मिला गया है और कांटा भी उसमें जब्त किया गया है साथ में। लेकिन जो अज्ञात व्यक्ति था उसके बारे में हमने बयान लिया है, आसपास के जो व्यापारी हैं तो वो तो भाग गया है, जिसको जो अज्ञात जो व्यक्ति था जिसका आरोप था कि करील बेच रहा था। और बाकी अभी शासन का आदेश है कि इस मौसम में करील काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं और इसकी चोरी से जो है वन विभाग को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बांस की कीमत करीब 60-70 रुपए है और मुख्यमंत्री जी का भी एक स्कीम है बांस के लिए, तो उसमें काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए सभी चौकीदारों और वन रक्षक और परिक्षेत्र सहायक जो हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि चौकन्ने रहें इस मामले को लेकर, और बस यही अभी बेरा है छोटकुन विराम के। विराम के बाद फिर लौटबो, तब तक आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।